गर्मियाँ आ गई हैं और आसमान से आग बरस रही है। अप्रैल के महीने में तापमान अराउंड 40 पहुंच गए। बिल्कुल शानू यार, हम लोग तो घर पे बैठे हैं और ऑफिस में जाते हैं तो हमारे लिए एसी और कूलर अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो लोग बाहर धूप में दिहाड़ी कर रहे हैं उनके क्या हाल होते होंगे ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल राज भाई, मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। जो लोग राज धूप में काम कर रहे हैं, इतनी कड़कती धूप में मेहनत कर रहे हैं, मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवा देती है। बिल्कुल, हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जो रोजाना कड़कती धूप में काम करते हैं। बिल्कुल, पर महाराष्ट्र से जो खबर सामने आई है उसमें प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं की बहुत बड़ी लापरवाही उभर कर सामने आती है। शामू, आप शायद वही बात कर रहे हो ना जिसमें लगभग 13 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है और सैकड़ों लोग हीट वेव का शिकार हुए। बिल्कुल राज भाई, मैं उसी महाराष्ट्र भूषण अवार्ड का जो आयोजन कुछ दिन पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा नवी मुंबई में करवाया गया था उसके बारे में ही बात कर रहा हूँ। इसमें एक कमी ना प्रशासन और राजनेताओं की तो लग रही है, दूसरी कमी देखो हमारे नेशनल मीडिया का हाल। इक्का दुक्का मीडिया को छोड़ के किसी ने भी इस खबर को नहीं चलाया। बिल्कुल, गंजेड़ियों की खबर जहां हमने 15-15 दिन तक लगातार न्यूज चैनल्स पर चलती देखी है, इस खबर को मेनस्ट्रीम मीडिया ने उतनी तरजीह नहीं दी है। बिल्कुल, मीडिया को तो सिर्फ ये खबर मिल जाए किसी एमएलए और नेता ने तिरपाल चोरी की है तो उसको भी 15 दिन और एक महीना चला के लोगों को बताएंगे। बिल्कुल राज भाई, आजकल तिरपाल चोरी की खबर भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। तो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड का जो आयोजन था राज, उसमें पंडाल लगाए गए राजनेताओं के लिए जो मुख्य अतिथि थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ राज्य स्तरीय थे, वहाँ राष्ट्रीय स्तर के नेता भी मौजूद थे। बिल्कुल, और शानो यार वो पंडाल भी तो भाई बेचारे जो उस सभा में बैठे हुए थे, उस प्रोग्राम में बैठे हुए, उन लोगों के ना टैक्स के दिए हुए पैसे से वो पंडाल लगा हुआ था, वो सुविधा वो राजनेता और प्रशासन अधिकारी उठा रहे थे। बिल्कुल राज भाई, और उस पंडाल में मैंने सुना है एसी की व्यवस्था थी, पर जो सामने लाखों की भीड़ थी उसके सर पे पंडाल की सुविधा तक नहीं थी। कड़कती धूप में लोग वहां पे 5 से 6 घंटा बैठे रहे। शानू यार, आप तो सर पे छत और कह लो टेंट की बात कर रहे हो, मैंने सुना है कि उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी किलोमीटर दूर थी। इतना रश और कह लो इतनी भीड़ होने की वजह से लोग पानी को भी तरसते रहे, लोग टैंकरों तक पहुंचते पहुंचते गिर गए। इतना बुरा हाल है राजनेताओं का और प्रशासन अधिकारियों का, वो लोग अपने सुख के सिवा देश के लोगों के सुख के बारे में नहीं सोचते हैं, इससे पता लगता है। शायद इसी वजह से मेनस्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को देश में नहीं चलाया कि इतनी बड़ी लापरवाही और कमी सरकार के अधिकारियों और सरकार की है।